कृतिका। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के पचोर में रेत के सुरंग में दबने से एक मजदूर की हुई मौत। खनन माफियाओं द्वारा बनाई जा रही थी रेत की सुरंग। दमोह कोतवाली पुलिस ने एक युवक को डोडा चूरा के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के पास मिला 1 लाख का डोडा चूरा। डिंडोरी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। आम सभा के तय समय को लेकर बनी विवाद की स्थिति। राजगढ़ जिले के पचोर में नीवज किनारे तटबंधों पर खनन माफियाओं द्वारा बनाई गई रेत सुरंग में दबने से पचोर निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी अनुसार नेवज का सीना छलनी करने के बाद खनन माफियाओं ने नेवज पार रलायती के रास्ते पर जगह जगह सुरंग बनाकर जमीन से रेत निकालने का व्यवसाय किया जा रहा है। दर्जन भर सुरंगों में से एक सुरंग में रेत निकालने के लिए तगारी फावड़ा लेकर गए मजदूर राजेश पिता रतनलाल मालवीय उम्र 25 वर्ष की खदान धंसने से मिट्टी के नीचे दबकर मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल पर खनन का काम चल रहा था। मजदूर के मिट्टी में दबने के बाद उसके साथ ही भाग निकले। मौके पर मृतक के परिजनों को रोता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को रेस्क्यू करने के लिए पोकलेन मशीन बुलाई। रेस्क्यू के बाद पुलिस मजदूर को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये कल एक सूचना मिली थी कि यहां पर माँ दयालु माता का मंदिर है, उसके पीछे कुछ लीज पर जमीन ली हुई है। यहां पर लीज के जमीन के ऊपर 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पर कुछ मट्टी वगैरह निकाल करके और वो डाली जाती है। तो यहाँ के कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो जाकर के वहाँ पर उस मट्टी को निकालते हैं। राजगढ़ से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में दमोह कोतवाली पुलिस को मिली सूचना पर तैनात पुलिस दल ने भोपाल से आ रहे एक आरोपी को मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए है। दमोह कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भोपाल से आ रही बस में एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। इसके बाद सीएसपी मुकेश अभिद्रा, कोतवाली थाना प्रभारी आरके गौतम सहित पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा। आरोपी भगुल लोधी जिले के नोहटा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम घाघरी का निवासी है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपी भगुन भोपाल में मजदूरी करता था, लेकिन पिछले 3 साल से वह अपने घर पर रहकर इस अवैध कारोबार से जुड़ गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दमोह जिले में पहली बार इस मादक पदार्थ को जब्त करने की कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। दमोह पुलिस ने एक बेहतर कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना अंतर्गत कोतवाली TI और CSP इनके द्वारा बेहतर सोर्स यहाँ डेवलप किए गए। इसके तारतम्य में जो हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है, 15 साल में पहली बार ये कार्रवाई की गई है जिसमें डोडा चूरा यहाँ पर पकड़ा गया। आरोपी भोपाल से लेकर के आ रहा था, जो फर्स्ट हमारा प्राइमरी पूछताछ में जो उसने बताया। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। डिंडोरी में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आम सभा को लेकर झड़प हो गई। झड़प के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मन से खदेड़ दिया। गोपालपुर गांव के साप्ताहिक बाजार में रैली और आम सभा के दौरान कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आम सभा का जो वक्त था उसी समय पर कांग्रेस भी आम सभा कर रहे थे। समय को लेकर ही कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण विवाद ज्यादा बढ़ा नहीं। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश के मंडला जिला भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की गाड़ी ने बाइक सवार को उड़ा दिया। हादसे में घायल युवक को गंभीर अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र मेहदवानी में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में घायल का उपचार चालू है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की गाड़ी फिलहाल थाना मेहदवानी में खड़ी है। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा सांसद की गाड़ी और चालक पर मामला कायम होता है या नहीं। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला अब
दिलचस्प हो चला है। एक सप्ताह पहले तक जहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा था, पर चुनाव नजदीक आते आते चुनावी समीकरण भी बदलने लगे हैं। इस सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद राव उदय प्रताप सिंह तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वही कांग्रेस ने यहाँ से युवा नेता शैलेंद्र दीवान को मैदान में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों से इतर इस सीट से एक पूर्व IPS अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतरे प्रत्याशी जहाँ दलित आदिवासी वोट बैंकों पर सेंधमारी करने उतरे हैं, वह मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वह वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि वह अपने प्रशासनिक अनुभव का फायदा लेकर दलितों और शोषितों को मुख्य धारा में लाएंगे। बहरहाल 6 मई को संपन्न होने वाले लोकसभा के चुनाव में नेताओं के भाग्य का फैसला तो 23 मई को ही होगा, पर युवाओं के मुद्दे इस बार चुनाव के परिणामों को खासा प्रभावित करते साफ देखे जा सकते हैं, जिसके लिए सभी प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये 23 मई को ही देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी, समाजवाद पार्टी, गोंडवाना और साउथ की कई पार्टियों का बहुत जोरदार सशक्त गठबंधन है और इससे हमारी पार्टी काफ़ी अच्छी पोजीशन में, करीब 80 सीटें लाने की संभावना लग रही है। स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, विकास हमारा मुद्दा है, प्रगति हमारा मुद्दा है और जिन कार्यों पर अभी हम काम करने में हमें लगता है कि जो पाइपलाइन में है, जिन पर निर्णय नहीं हो सके हैं, उन चीजों को आगे आने वाले समय में निर्णयों को कराना है, जैसे तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मैंने कहा। कांग्रेस पार्टी का पहली प्राथमिकता है किसान और दूसरी है युवा। किसानों के जो अनाज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है उसके लिए कोशिश की जाएगी और युवाओं के लिए रोजगार कि कैसे नए उद्योग आए और पुराने उद्योग चालू हों, ये माननीय कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की योजना है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और किसानों के अनाज का सही दाम मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारा प्रदेश।